आज के विचार का परिचय। क्या आपको कभी अपने कार्यालय से दिन के बारे में सोचा संदेश प्राप्त हुआ है या आपने उन्हें स्कूल कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर देखा है? मुझे यकीन है कि उत्तर हां है। जब आप कोई ऐसी चीज देखते हैं जो आपके साथ मेल खाती है तो आप तुरंत प्रेरित महसूस करते हैं। सोचिए अगर आप हर सुबह ऐसा महसूस कर सकें। लोकप्रिय विचारक, वैज्ञानिक और दार्शनिक रेने डेस्कार्टेस ने एक बार कहा था, मुझे लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यह बयान अचानक नहीं दिया गया। विचार प्राचीन काल से ही मनुष्य होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। सोचना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशल है। आप चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। इसलिए विचार की शक्ति का एहसास करना महत्वपूर्ण है और हम इसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप विदेश में अपनी अध्ययन यात्रा शुरू करते हैं, ये प्रेरक उद्धरण अमूल्य सहयोगी बन जाते हैं जो कुशलतापूर्वक साहसिक कार्य में आपका मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा वे न केवल आपको अकादमिक रूप से प्रेरित करते हैं बल्कि नए वातावरण, विविध संस्कृतियों और अलग अलग दृष्टिकोणों की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक मानसिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। नतीजतन सकारात्मक सोच की शक्ति को पहचानना विदेश में आपके अध्ययन के दौरान एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में कार्य करता है। 14 दिन का अर्थ सहित विचार। विदेश में पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ कुछ उद्धरण दिए गए हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे। एक, विश्वास वह पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और तब गाता है जब घोर अभी भी अंधेरा हो। रवींद्रनाथ टैगोर। वे कहते हैं कि विश्वास ही दुनिया को चलाता है। वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। रवींद्रनाथ टैगोर का यह उद्धरण बताता है कि स्वयं पर विश्वास रखना सर्वोत्कृष्ट है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आप अक्सर अपने विश्वास पर सवाल उठाते हैं। हालांकि यह जानना और विश्वास करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, व्यक्ति को हमेशा कायम रहना चाहिए। दो, आपको अंदर से बाहर तक बढ़ना होगा। तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई अन्य शिक्षक नहीं है। स्वामी विवेकानंद उन महानतम भारतीय दार्शनिकों में से एक हैं जिनके बारे में दुनिया जानती है। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने कई लोगों को धर्म के मार्ग की ओर प्रभावित किया है। स्वामी विवेकानंद द्वारा आज का विचार उद्धरण स्वयं पर विश्वास करने के बारे में है। विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, खुद पर भरोसा रखें और अंदर से बढ़ने दें। 3, हर कोई जानना चाहता था कि अगर मैं नहीं जीता तो मैं क्या करूंगा। मौन का क्षण। मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। ये पहले कान्ये वेस्ट के नाम से जाना जाता था। साल था 2005 और कान्ये वेस्ट ने रैप एल्बम ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी जीता। श्री वेस्ट ने उन लोगों को धन्यवाद देते हुए अपना आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान उनकी मदद की और उनका समर्थन किया, और एक अहंकारी उद्धरण के साथ भाषण समाप्त किया। ध्यान रखें कि यह अहंकार नहीं है जिसे किसी को दूर करना चाहिए, बल्कि यह जीतने वाली मानसिकता है। चाहे जिंदगी उसके सामने कुछ भी आए, वह हारने से इनकार करता है और इसी जीतने वाली मानसिकता ने उसे हमारी पीढ़ी का सबसे सुशोभित हिप हॉप कलाकार बना दिया है। 4, या तो आप विकास की ओर कदम बढ़ाएंगे या आप सुरक्षा की ओर पीछे कदम बढ़ाएंगे। अब्राहम मास्लो, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। कंफर्ट जोन मानव मस्तिष्क द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक जगह है। महानता प्राप्त करने के लिए आराम क्षेत्र को तोड़ना होगा। यह एक खूबसूरत जगह है जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आरामदायक क्षेत्र में कुछ भी विकसित नहीं होता है।
व्यक्ति को उस अराजकता का आदि हो जाना चाहिए जो एक बार आराम क्षेत्र छोड़ने के बाद उत्पन्न होगी। 5. बस वह करने का प्रयास न छोड़े जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। जहां प्यार और प्रेरणा है, मुझे नहीं लगता कि आप गलत हो सकते हैं। एला फिट्ज़गेराल्ड का आज का यह विचार काफी आत्मव्याख्यात्मक है। आपको वहीं रहने का प्रयास करते रहना होगा जहां आप होना चाहते हैं। जब आपका कार्य प्रेम और प्रेरणा से प्रेरित होता है, तो आपके गलत होने की संभावना कम होती है। आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि सचेत और ईमानदार प्रयासों का भुगतान उचित समय पर मिलता है। 6. आगे चढ़ने वाले पहाड़ नहीं हैं जो आपको थका देते हैं, यह तुम्हारे जूते का कंकड़ है। मोहम्मद अली का यह आज का विचार बताता है कि सबसे कठिन हिस्सा ऊपर की ओर चढ़ना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा है। अक्सर हम अपने जीवन में कुछ स्थितियों, आदतों और लोगों से हतोत्साहित हो जाते हैं। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे हमारे जूतों में पड़े कंकड़ मात्र हैं और हमारे पास उन्हें हटाकर अपनी यात्रा जारी रखने की शक्ति है। 7. अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखना होगा। APJ अब्दुल कलाम। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आपको सपने देखने होंगे, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। और यह तभी होता है जब आप सपने देखते हैं जिसे आप हासिल कर सकते हैं। आपकी यात्रा अलग हो सकती है और आपकी बाधाओं से पार पाना कठिन हो सकता है, लेकिन आपके सपने की शक्ति आपको कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करेगी। 8. सबसे अच्छा रास्ता हमेशा ही होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए, तो उससे भागने की कोशिश न करें। इससे बचने, इसे कम करने या इसे दोष देने के लिए कोई उपाय न खोजें। इसके माध्यम से मिलता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपके लिए सीखने के लिए मूल्यवान सबक हैं। और जब आप सुरंग के दूसरे छोर से बाहर आएंगे, तो आपको एहसास होगा कि आप एक व्यक्ति के रूप में कैसे विकसित हुए हैं। आज का सुविचार। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता अच्छे और बुरे समय से गुजरना है। 9. ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, इस तरह से सीखिए जैसे कि आपको यहाँ हमेशा रहना है। महात्मा गांधी का आज का यह विचार काफी लोकप्रिय है और सही भी है। आप अपनी मानसिकता में एक बड़े बदलाव का अनुभव करेंगे जब आप एक समय में एक दिन लेना सीखेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देना सीखेंगे। हर सुबह जब आप उठें, तो इसे एक नई शुरुआत के रूप में सोचें। आपके पास जो कुछ भी है, उसके साथ अपना जीवन भरपूर जिएं और सीखने का कोई मौका न चुकें। 10. अपने आनंद का अनुसरण करें और ब्रह्मांड वहां दरवाजे खोल देगा जहां केवल दीवारें थीं। जोसेफ कैंपबेल का यह उद्धरण कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। हमें अक्सर कहा जाता है कि बदले में कुछ पाने की चिंता किए बिना अपना काम अच्छे से करने पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? जब आप काम करते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो आप स्वचालित रूप से इसे प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। आपका इरादा परिणाम तय करता है।